तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिम परसेंटेज, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2, तो ये फ्रैक्शन में है, इसको आपको परसेंट में चेंज करना है तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब आपको फ्रैक्शन से परसेंट में जाना होता है तो आप केवल 100 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रतिशत साइन अचानक तो कहीं से आ नहीं जाएगा। यानी इसको आप अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, यानी आप इसको लिखते हैं 50%। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन हम लोगों को करना होगा, क्योंकि आगे अपकमिंग जो भी कैलकुलेशन वाले अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें इसका मैं यूज करूँगा। यानी मैं लगातार यहाँ से 1/2, 1/3, 1/4 करते हुए 1/25 और 1/50 का देखूंगा। तो देखें हम लोग 1/3, इसको बदलना है हम लोगों को प्रतिशत में, तो 1/3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100%, यानी हो जाएगा 100/3%, जिसको हम लोग कह सकते हैं 33.1/3%। आगे आते हैं तो देखेंगे 1/4, तो 1/4 को परसेंट में बदलना है तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25%। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 1/5, तो 1/5 को आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 20%। फिर यहाँ देख सकते हैं 1/6, तो 1/6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन से भी मल्टीप्लाई आपको करना ही है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 × 3 = 6 और 50 × 2 = 100, यानी हो जाएगा 50/3%, यानी इसको आप लिख सकते हैं 16.2/3%। फिर आप देख सकते हैं 1/15 को बदलना हो तो 1/15 × 100%, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग काट सकते हैं 5 × 15 और 20 × 5 = 100, यानी 20/3%। आगे इसका इस्तेमाल होगा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, इसको समझिए, यह आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 6.2/3%। फिर देखिए अगर हम लोग 1/16 को बदलें तो 1/16 × 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 × 4 = 16 और ये 25 × 4 = 100, यानी 25/4%, यानी हो जाएगा 6.1/4%। यानी हम लोगों को 25 तक देखना है क्योंकि उसका यूज पड़ता है, बहुत से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में दिखेंगे जिसका यूज हम लोगों को करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लेकर इसको चल रहा हूँ। कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए कैलकुलेशन बेहतर होना ही चाहिए। 1/17 × 100%, यानी 1/17 को हम लोग बदल रहे हैं, डायरेक्ट बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100/17%, यानी हम कह सकते हैं कि 17 × 5 = 85 हो जाएगा, यानी 5.1/15/17% हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं 1/18 को, तो 1/18 को आप देख सकते हैं तो यहाँ तो कटेगा 2 × 9 = 18 और ये 50% से, यानी 50/9, यानी कह सकते हैं आप 9 × 5 = 45, यानी 5.5/9%। आप देखिए 25 तक हम लोगों को देखना है और उसके बाद फिर कुछ चीज़ों की चर्चा करनी है, इसका एप्लीकेशन हम लोगों को देखना है। तो 1/18 के बाद आप देख सकते हैं 1/19, 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंट भी मल्टीप्लीकेशन में रहता है ताकि हम लोगों को फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है, यानी 100/19%, यानी यहाँ देख सकते हैं 19 × 5 = 95, 5 यानी 5.5/19%। देख लीजिए 1/20 को बदलना है परसेंट से, यानी ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, यानी आप कह सकते हैं 5%। इन द सेम वे आप देख सकते हैं 1/25 को, तो 1/25 को बदलना है तो आप कह सकते हैं 4%। फिर आप देख लीजिए इन द सेम वे 1/50 को बदलना है, फ्रैक्शन से हम लोगों को जाना है परसेंट में, यानी ये हो जाएगा 2%। यानी इस तरीके से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना है। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1/17 है तो इसका यूज किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है किसी भी बड़े
फ्रैक्शन वाले वैल्यू में और डायरेक्ट हम लोग जाएंगे, जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में डिवीजन से बच जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, और कैलकुलेशन और कंसेप्ट आपको बेहतर करना ही पड़ेगा। इसमें जैसे हम लोगों को यहाँ समझना है कि कहीं पर अगर आपको दे दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 3/8 दे दिया है, यानी 3/8 फ्रैक्शन में है और इसको आपको परसेंट में बदलना है। तो मैंने अभी तक जो चर्चा की उसे थोड़ा सा आप स्ट्रांग हुए होंगे और इसका यहाँ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो इसको हम लोग सीखते हैं। 3/8 को परसेंट में बदलना है तो ये इजी वे तो हम लोग समझ रहे हैं कि 100% से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे डिवाइड वगैरह करके हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये 4 × 2 = 8, 25 × 4 = 100, यानी ये 75/2%, यानी इसको कह सकते हैं 37.2%। साथ ही साथ इसका दूसरा मेथड में बताना चाहूँगा, 3/8 है तो डायरेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि 1/8 का वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 3/8 को समझेंगे 3 × 1/8 कर दे रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्रतिशत साइन तो चलता रहता है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं 100/8 होता है वह 12.1/2 होता है, 12.1/2 होता है, यानी 3 × 12.1/2%। अब देखिए बढ़ती आई 36, ठीक है, अब प्लस में इससे गुना बारी बारी से होगा, पूर्णांक वाले वैल्यू से भी होगा और ये बट्टा में जो वैल्यू है इससे भी होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2। तो आप देख सकते हैं ये 36 है, अगर अंश हर से अधिक होता है तो उसको भी आप रिफ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, उसमें जगह बचता है, यानी फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये होगा 1/1/2, यानी अब जब 36 में 1/1/2 जोड़ेंगे तो ये 37.2% हो जाएगा, यानी आपको टू वेज मिले, यानी यहाँ भी आप क्वेश्चन बना सकते थे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और यहाँ पर इसके हेल्प से भी आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप 5/9 को देखिए, तो एक बनाने का तरीका हुआ कि 5/9 है तो गुना 100% कर दें, गुना कर लेंगे तो ये आएगा 500/9%। यहाँ आप डिवाइड करके बना सकते हैं, यानी आप चेक कर सकते हैं तो 9×5 = 45 हो जाएगा, फिर 50 हुआ तो 5/0 था पहले से, इसलिए 50 तो 9×5 = 45, यानी हम लोगों का यहाँ पर 55.9% आ रहा है परसेंट में। अब यहाँ देख सकते हैं इस मेथड का यूज करना है, यानी 1/8, 1/7, 1/6, 1/4 ये सब का वैल्यू हम लोग देखे हुए हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी किया जाए, यानी 5 × 1/9, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/9 × 100% ये चेंज किए हुए हैं तो इसका यूज हम लोग को करना है, तो ये होगा 5 × 11.9%। अब गुना करना है तो देखिए 11×55 और प्लस में जोड़ लेंगे, काम हो जाएगा, ये 5/9 होगा, यानी 5/9 होगा, यानी आपका अंश हर से छोटा है तो फिर आपको फ्रैक्शन में तोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 55.5/9%। आंसर चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी इस तरीके से आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिर मैं आगे परसेंटेज में और भी कैलकुलेशन है उसका वीडियोज़ लेकर आऊँगा, आप बने रहें, बेहतर तरीके से मैं आपका प्रिपरेशन करा दूँगा और स्टडी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।